आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारी राजस्थान की वन संपदा व वनस्पति संबंधी पांचवी क्लास से वह अंतिम क्लास है और आज की सबसे इंपोर्टेंट क्लास होगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? उदयपुर, माउंट आबू, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो इसका राइट आंसर होगा इको टूरिज्म नीति, जो राजस्थान सरकार के द्वारा 4 फरवरी 2010 को लाई गई थी, लेकिन नवीनतम इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा इको टूरिज्म नीति लाई गई थी, जो कि नवीनतम इको टूरिज्म नीति है। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, वन उत्पादन पेड़ सुमिलित कीजिए। इमारती लकड़ी सागवान से होती है, कोयला धोकड़ा वन से प्राप्त होते हैं, कत्था खेर वृक्ष से निकाला जाता है, बीड़ी तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा दो, जो कि सही सुमिलित है। अगला क्वेश्चन, ये सभी मैंने सुमिलित कीजिए। सालर का वन जो गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है, एक अंदर आएगा चार अलवर, डाक के वन राजस्थान में कहां मिलते हैं? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, सदाबहार वन सिरोही के अंदर, शुष्क सागवान के वन बांसवाड़ा में। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का और इसकी मैंने विस्तृत जानकारी दे दी पिछली क्लास में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पादन राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आदिवासियों का क्लब वृक्ष महुआ, जिससे मुख्य रूप से इनके फूलों से, इनके बीज से तेल निकाला जाता है और इससे मुख्य रूप से देसी शराब बनाई जाती है और जिसे स्थानीय भाषा में मोकड़ी कहते हैं, मोकड़ी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर, महुआ वृक्ष, जिसका वानस्पतिक नाम मधुका लोगीफोलिया, लोगीफोलिया इसका वानस्पतिक नाम है और यह मुख्य रूप से महुआ वृक्ष उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और झालावाड़ जिले में प्राप्त होता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिले में पाया जाता है कौन सा? महुआ वृक्ष। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या कोटा? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा जिला। राजस्थान सरकार के द्वारा 100 करोड़ की लागत से कोटा जिला में ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। कांग्रेस घास क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, ये खरपतवार घास है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, JFM का पूरा क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर होगा, और ये 15 मार्च 1991 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, संयुक्त वन प्रबंधन, जिसकी शुरुआत 15 मार्च 1991 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च 1991 के अंदर राजस्थान के अंदर ये प्रारंभ हुआ था और इसका पूरा नाम है संयुक्त वन प्रबंधन, जिसे इंग्लिश बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक वन्य क्षेत्र है? दौसा, करौली, भरतपुर या वागड़ क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, ज्वार सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल सही है। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य
धौलपुर जिले में बिल्कुल सही है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान का क्लब वृक्ष रोइडे को कहा जाता है, गलत है। राजस्थान का क्लब वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं, किसको कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, जलवायु परिवर्तन। राजस्थान में वन संपदा को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि वन के विकास के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है और राजस्थान में तापमान तथा वर्षा का वितरण अनियंत्रण है। जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा न्यूनतम मात्रा में होती है और तापमान अधिक होता है, तापमान की चरम सीमा अधिक होती है, वर्षा न्यूनतम होती है। इस कारण और एक मरुस्थल क्षेत्र होने के कारण वहां पर वनस्पतियां की कमी पाई जाती है, अगर है तो थोड़ी बहुत है और वो भी कंटिन्यू झाड़ियां पाई जाती है। इसलिए राजस्थान में जलवायु परिवर्तन, राजस्थान में वर्षा निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा जालना, जयपुर में विश्व वानिकी उद्यान स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। अगला क्वेश्चन, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अलवर जिले में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर जयपुर जिले में, तीसरे नंबर जैसलमेर में और चौथे नंबर हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। इन वनों की तीन कैटेगरी होती है, एक होते हैं अत्यधिक सघन वन, एक होते हैं मध्य सघन वन, एक होते हैं खुला वन। अगर पूछे कि राजस्थान में अत्यधिक सघन वन जिसका वन घनत्व 70% से अधिक हो उसे बोलते हैं अत्यधिक सघन वन, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक अलवर जिले में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर जयपुर में। अगर पूछे कि राजस्थान में दूसरे नंबर आता है मध्य सघन वन जिनका वन घनत्व 40% से लेकर 70% के बीच में हो उसे बोलते हैं मध्यम सघन वन, जो राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में है। और तीसरे नंबर आता है खुला वन जिसका वन घनत्व 10% से लेकर 40% के मध्य जो वन घनत्व होता है उसे बोलते हैं खुला वन, जो राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर जिले में। तो इन तीनों का याद रखना कि राजस्थान में अत्यधिक सघन वन सर्वाधिक कहां है, तो अलवर में, मध्यम सघन वन सर्वाधिक उदयपुर में और खुला वन भी सर्वाधिक उदयपुर में। अब इन तीनों का प्रतिशत पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अत्यधिक सघन वन कितने प्रतिशत है, तो 0.02% है अत्यधिक सघन वन, और राजस्थान में मध्यम सघन वन जो 1.28% है जो सर्वाधिक उदयपुर में, और राजस्थान के अंदर खुला वन जो कि 3.57% है जो कि उदयपुर में है। तो इन तीनों का प्रतिशत याद रखना और सर्वाधिक कौन से जिलों में ये भी याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये 2017 से 2019 के बीच में उस समय का राइट आंसर होगा 57.51%। लेकिन वर्तमान में प्रश्न पूछेगी 2021 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के वन क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ 2019 की तुलना में 2021 में। तो आपका आंसर होगा 25.45% वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में नवीनतम पूछे तो 25.45% वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हो। तो इसका राइट आंसर होगा राजसमंद, करौली और धौलपुर। लेकिन आपसे प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में टॉप सर्वाधिक
कहां पर वन प्रतिशत पाए जाते हैं, वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक, तो आपका आंसर होगा उदयपुर में सर्वाधिक वनावरण का प्रतिशत है जो कितना है 23.49%। दूसरे नंबर प्रतापगढ़ आता है जिसका है 23.24%। तीसरे नंबर सिरोही आता है जिसका 17.49% है और चौथे नंबर करौली आता है जिसका है 15.28%। तो आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक 1% कहां पर है, तो आपका आंसर होगा उदयपुर में 23.49%। दूसरे नंबर प्रतापगढ़ में 23.24%। तीसरे नंबर सिरोही में जो कि 17.49% और चौथे नंबर करौली के अंदर कितना है 15.28%। यह याद रखना, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और यदि प्रश्न पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वनावरण कहां है, तो आपका आंसर होगा जोधपुर में जो कि न्यूनतम प्रतिशत वनावरण है कितना है 0.48%। दूसरे नंबर चूरू है 0.56%। तीसरे नंबर जैसलमेर है 0.84% और चौथे नंबर है बीकानेर 0.92%। तो 100 यानी कि 1% से कम राजस्थान के ऐसे 4 जिले जो 1% से कम वनावरण रखते हैं, एक जोधपुर 0.48%, दूसरा चूरू 0.56%, तीसरा जैसलमेर 0.84% और चौथा बीकानेर 0.92%। यानी कि 1% से कम राजस्थान में वनावरण का प्रतिशत रखने वाले ऐसे 4 जिले, और ये टॉप 4 जिले याद रखना। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के समूह में 2019 से 2021 के बीच अधिकतम दर में वन का विनाश हुआ, यानी कि सर्वाधिक वनों की कमी कौन से जिलों में हुई है, प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 और भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो आपका आंसर होगा सर्वाधिक वनों में कमी जालौर में हुई है, दूसरे नंबर करौली में हुई है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है और कितने जिलों में जो कि कमी दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक कमी जालौर में हुई है, सर्वाधिक कमी जालौर में दर्ज की गई है 32.46%। दूसरे नंबर करौली में जो कि 26.16% की कमी दर्ज की गई है, और तीसरे नंबर सिरोही के अंदर 13.49% और चौथे नंबर भरतपुर में 9.21% की कमी दर्ज की गई। तो आपसे आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में सर्वाधिक वनों में कमी दर्ज की गई है, तो आपका आंसर होगा जालौर में एक नंबर, कितने प्रतिशत 32.46%। दूसरे नंबर करौली में 26.16%। तीसरे नंबर सिरोही में 13.50% और चौथे नंबर भरतपुर में 9.21% की कमी दर्ज की गई है। तो ये टॉप 4 जिले जिसमें वनों की कमी दर्ज की गई है, याद रखना आपसे आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में वनों की कमी हुई है, तो 14 जिलों में वनों की कमी दर्ज की गई है और 19 जिलों में वनों में वृद्धि दर्ज की गई है, 19 जिलों में वृद्धि दर्ज की गई है और 14 जिलों में कमी दर्ज की गई है। यह भी आने वाले एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपसे सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में वृद्धि दर्ज की गई है, तो सर्वाधिक अजमेर में वृद्धि दर्ज की गई है, 26.45% की वृद्धि हुई है सर्वाधिक। दूसरे नंबर पाली में वृद्धि हुई है 26.01% की वृद्धि हुई है, और तीसरे नंबर बीकानेर में वृद्धि हुई है 24.1% की वृद्धि हुई है, और चौथे नंबर नागौर में वृद्धि हुई है 22.72% की वृद्धि दर्ज की है। तो टॉप 4 जिले जिसमें वृद्धि दर्ज की गई है, एक अजमेर में 26.45%, दूसरे नंबर पाली में 26.1%, तीसरे नंबर बीकानेर में 24.1% और चौथे नंबर नागौर में 22.72% की वृद्धि दर्ज की गई है। और राजस्थान के कुल जिलों यानी कि 33 जिलों के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के 19 जिलों में वनों में वृद्धि दर्ज की गई है और 14 जिलों में वनों की कमी दर्ज की गई है भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है, तो राजस्थान यानी कि भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल कार्बन स्टॉक
110.77 मिलियन टन है, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, जो कि कुल देश के कार्बन स्टॉक का 1.54% है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश के कुल कार्बन स्टॉक का राजस्थान का कुल कार्बन स्टॉक कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर होगा 1.54%, और राजस्थान के अंदर कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 110.77 मिलियन टन, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा 9.57। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अगर पूछे कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो आपका आंसर होगा 9.60%, कितना होगा 9.60%। लेकिन प्रश्न पूछे कि प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान के अंदर वन क्षेत्रफल कितना है, तो आपका आंसर होगा 9.61%, कितना होगा 9.61%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन उदयपुर के बाद में 12, चार जिले याद रखना, एक नंबर उदयपुर आएगा, उदयपुर के बाद में दो नंबर 12, तीन नंबर करौली और चार नंबर चित्तौड़गढ़ और पांच नंबर अलवर। इन पांच टॉप जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल रखते हैं, एक उदयपुर, दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर करौली और चौथे नंबर चित्तौड़ और पांच नंबर अलवर। अगर पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल वन कहां पाए जाते हैं, तो एक नंबर आएगा चूरू, जहां न्यूनतम क्षेत्रफल में वन है, दूसरे नंबर हनुमानगढ़, तीसरे नंबर नागौर, चौथे नंबर जोधपुर और पांच नंबर दौसा। ये तो पांच जिले याद रखना, एक नंबर चूरू, दूसरे नंबर हनुमानगढ़, तीसरे नंबर नागौर, चौथे नंबर जोधपुर और पांच नंबर दौसा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल उदयपुर में है, दूसरे नंबर 12 में है, तीसरे नंबर करौली में है, चौथे नंबर चित्तौड़गढ़ में है और पांच नंबर अलवर में है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले पांच टॉप जिले याद रखना, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है, क्या पूछा है कि न्यूनतम प्रतिशत वाले कौन सा जिला है, तो न्यूनतम प्रतिशत रखता है वनों में, एक नंबर जोधपुर, दूसरे नंबर चूरू, तीसरे नंबर जैसलमेर और चौथे नंबर बीकानेर। तो इसमें जोधपुर कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा चूरू के अंदर न्यूनतम प्रतिशत वन पाए जाते हैं। तो एक नंबर आएगा जोधपुर, दो नंबर आएगा चूरू, तीन नंबर आएगा जैसलमेर और चार नंबर आएगा बीकानेर। और ये चार ऐसे जिले हैं जो प्रतिशत में न्यूनतम 1% से भी कम रखते हैं, जैसे जोधपुर में 0.48%, चूरू में 0.56%, जैसलमेर में 0.84% और बीकानेर के अंदर 0.92% है। और अगर पूछे कि प्रतिशत में सर्वाधिक वन राजस्थान में कहां है, तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन वाला जिला उदयपुर है जो 23.49%, दूसरे नंबर आता है प्रतापगढ़ 23.24%, तीसरे नंबर आता है सिरोही 17.49% और चौथे नंबर आता है करौली, 15.28%। ये मैं लेटेस्ट वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार बता रहा हूं, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे तो ये लिख लेना किसी नोटबुक के अंदर। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम, संबंधित जिले कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है, तो सर्वाधिक न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जोधपुर के अंदर न्यूनतम प्रतिशत वन है, तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर आएगा जोधपुर, जोधपुर में 0.48%, दूसरे नंबर है चूरू, चूरू में 0.56%, तीसरे नंबर जैसलमेर में 0.84%, चौथे नंबर बीकानेर में 0.92%। तो क्या प्रश्न पूछा कि न्यूनतम प्रतिशत राजस्थान में कौन से जिले में वन पाया जाता, तो इसका आंसर होगा जोधपुर, इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक, संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है वह है,
तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला वनों में उदयपुर है, दूसरे नंबर किसका है, प्रतापगढ़ का है। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर प्रतापगढ़। क्या प्रश्न पूछा, सेकंड सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़, और एक नंबर कौन सा है, उदयपुर, और तीसरे नंबर आता है सिरोही, और चौथे नंबर आता है अलवर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्र निम्न में से किस में अंकित किया गया है? तो राजस्थान में सर्वाधिक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन उदयपुर में और न्यूनतम वन चूरू जिले में। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है, तो राजस्थान में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार आपसे प्रश्न पूछे तो आपका आंसर होगा 32,921 वर्ग किलोमीटर, लेकिन ये 2023 का है, 32,864 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में प्रश्न पूछे तो आपका आंसर होगा 32,921 वर्ग किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना। आप सबका धन्यवाद।